नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे मेंस अ डी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी पसंद का सवाल कल हमने जनरल स्टडीज टू के अंदर एक मेंस का क्वेश्चन देखा था और उसको सॉल्व करके या उसका आंसर किस प्रकार से देना चाहिए क्या अप्रोचेस हो सकती है उसको डिस्कस किया था और मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि आप कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करना चाहते तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर जो सवाल पूछा गया था उसके बारे में आज चर्चा करते हैं चर्चा करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मेरा नाम आयुष रैना है और यूपीएससी की जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ साल मैंने इसको दिए हैं साथ साथ पिछले चार पाँच सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करता आ रहा हूं तो इसके साथ साथ मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और किस तरीके से पी आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन वो कभी ऐसा रेयर ही होगा कि वो पूरी तरह रिपीट होते हैं बात आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंजेस इंट्रोड्यूस किए नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्ड इन देंटी ट्वेंटी फोर दैट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड फॉर स्ट्रेंदनिंग फेडरलिज्म नाउ दिस मीन्स दिस क्वेश्चन हैज क्लियरली टू पार्ट्स और जब भी आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हो सबसे पहले तो देखो कि वो कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकता है यहां पे बिल्कुल सीधे सीधे आपको दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होता नजर आ रहा है पहला पार्ट कि क्या चेंजेस यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं एंड सेकेंड पार्ट इज सजेस्ट मेजर्स टू बी अडोप्टेड टू बिल्ड ट्रस्ट नाउ यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सप्लेन डिस्कस कमेंट यानी कि इस प्रकार का कोई डायरेक्टिव वर्ड नहीं दिया हुआ है आपसे अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एक्सपैंड करते हो इस आंसर को प्लीज अंडरस्टैंड ना तो इन्होंने इससे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आपसे मांगा है कि ये पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहा है या नेगेटिव चेंजेस की ना आपसे कमेंट मांगा है कि ये चेंजेस सही है या गलत है इसीलिए इस पर्टिकुलर मामले को आप बिल्कुल एक मेथोडिकल तरीके से अप्रोच करोगे सबसे पहले जब भी फेडरलिज्म या सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर सवाल पूछा जाता है आप इंस्पायर बहुत सारी, सारी चीजें जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो अलग अलग पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए हैं लेकिन अपना एक मॉडल हमने तैयार किया है जो सुई जेनरिस है इस फेडरलिज्म में एक डेलिकेट बैलेंस है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में रहता है रीसेंट मूव्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्लीज अंडरस्टैंड कि यहां पे आप जजमेंट्स को साइट नहीं कर सकते हो या आप वो चीजें साइट नहीं कर सकते हो जो ट्रेडिशनली सेंटर स्टेट रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती आई है जैसे कि रोल ऑफ गवर्नर है ना क्योंकि यह स्पेसिफिकली आपसे चेंजेस पूछ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या बदलाव किया गया है सेकेंडली रीसेंट का मतलब यह नहीं है कि वो एक साल या सिक्स मंथस की ही बात कर रहा हो रीसेंट का मतलब हो सकता है इन द टाइम लाइन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आप पिछले पांच से दस साल की बात कर रहे हो सकते हो बिना किसी सरकार विशेष का नाम लिए या किसी पार्टी विशेष का नाम लिए आप पिछले चार पांच साल में जो भी चेंजेस आए हैं वो मेंशन कर सकते हो बट चेंजेस जरूरी है इसमें यू कैन नॉट टच ऑन स्टैटिक टॉपिक्स लाइक गवर्नर यू कैन नॉट टच ऑन स्टेटिक टॉपिक लाइक ऑल इंडिया सर्विस अनलेस यूर टॉकिंग अबाउट द प्रपोज चेंजेस इन द कंडक्ट रूल्स या डेप्यूटेशन रूल्स तब आप चेंज की बात कर रहे होंगे लेकिन जो गवर्नर का प्रॉब्लम है वो तो पचास साल से चल रहा है स्टेट का वॉटर शेयरिंग का प्रॉब्लम है वो तो पचास साल से चल रहा है चेंज आप ये कह सकते हो कि एक बिल लेके आए थे इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट बट वो भी सेंटर स्टेट से ज्यादा इंटर स्टेट रिलेशन का मसला ज्यादा है इसलिए यू हैव टू सेलेक्ट वेरी वेरी इफेक्टिवली वट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इसलिए पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया और याद कीजिए कल मैंने आपको सात तरीके बताए थे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अल्टरनेटिव इंट्रोडक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा नाउ व्हाट चेंजेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इसको मैं टेबुलर फॉर्म में सिंपली दिखा सकता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेजिस्लेटिव चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में आप जब सेंटर स्टेट रिलेशन का स्टैटिक पढ़ते हो तब आप यही पढ़ते हो यही डिविजन यही बंटवारा करते हो 246 से लेके 256 तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखते हो सॉरी लेजिस्लेटिव रिलेशन देखते हो 253 तक फिर 253 ऑनवर्ड्स आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखते हो और टू सिक्सटी फाइव से लेके नाइन्टी एट टू नाइनटी थ्री तक आप फिस्कल रिलेशन देखते हो बस वैसे यहां पर डिवाइड कर दो और रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आए हैं उनको मैंशन कर दो टेबुलर फॉर्म इसलिए इतना इफेक्टिव है क्योंकि आप इससे दोनों चीजें बता सकते हो क्या चेंज किया और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इन शॉर्ट फ्रेजेस फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में सेंट्रल डेप्यूटेशन रूल्स में कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स लाए गए मेंडमेंट प्रपोज किए गए देवर नॉट इंप्लीमेंटेड बट देवर प्रोपोज इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इट इज फेयरली रिसेंट और आप ये देखोगे कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं हमें वो मेंशन करने की जरूरत नहीं बट एक जरूर बात आप याद रखिएगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन में टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर लास्ट अगर आप एनालिसिस करते हो एक जो स्पेसिफिक सेंटर स्टेट के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके ऊपर पूरा सवाल पूछ सकता है जैसे सीबीआई और उसका मिस जैसे जीएसटी या वन हंड्रेड फर्स्ट ये स्पेसिफिक सवाल भी पूरा का पूरा इसके ऊपर पूछ सकता है एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जेनेरिक जिसमें वो ओवरऑल फेडरलिज्म के ऊपर आपकी कॉमेंट्री मांगेगा ये मैं एग्जाम्पल आगे दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए अब ये वाला जो है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंफर्टेबल क्योंकि ये जेनेरिक है इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना है जितने ज्यादा आप चेंजेस बता पाओगे और उसका इमीजिएट इंपैक्ट बता पाओगे उतना बेहतर तो यहां पे स्टेट्स का कंसर्न था कि ये सेंट्रलाइजेशन को लीड कर रहा है क्यों क्योंकि इन रूल्स में प्रपोज किया गया था कि जो लोग डेप्यूटेशन पे गए हुए हैं जो लोग स्टेट कैडर में हैं और सेंटर डिमांड करता है कि डेप्यूटेशन पे इनकी बदली की जाए उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और अगर स्टेट जो है समय पे टाइम पे उनको रिलीज नहीं करता है तो उनको कैडर से हटा दिया जाएगा यह सब चीजें प्रपोज की गई थी सेकेंडली नीति आयोग और उसकी जो फंक्शनिंग है उसको ग्रास रूट लेवल तक इंक्रीज करने की कोशिश की गई है नीति आयोग इन इट सेल्फ इज अ वेरी रिसेंट फिनल 2015 मतलब 10 साल ही ऑलमोस्ट हुए हैं उसे और उसके बाद से आप देखोगे कि एक कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म इमर्ज हुआ है तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि गवर्निंग काउंसिल का कुछ खास प्रभाव नहीं देखने को मिला गवर्निंग काउंसिल इज अंडर यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज खत्म दो पॉइंट लिखने हैं कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म इंप्रूव गवर्निंग काउंसिल हैज अंडर यूटिलाइज खत्म बहुत सारी स्कीम्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे कि पीएम श्री वन नेशन वन राशन कार्ड आयुष्मान भारत ये जनरल जनरली जो है स्टेट्स अपने हिसाब से चलाया करते हैं अपने स्टेट लेवल पे भी इन स्कीम्स को इस प्रकार की स्कीम्स को लेकिन सेंटर ने काफी हद तक इसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है एग्जांपल के तौर पे जो फर्टिलाइजर की बात हो रही है या भारत यूरिया की बात हो रही है भारत ब्रांड वाले फर्टिलाइजर की बात हो रही है उसमें यूनियन गवर्नमेंट अपना जो है इमेजरी uh, या अपनी स्कीम का जो नाम है वो इंपोज करती हुई नजर आई है रेजिस्टेंस व सीन बाय सेवरल स्टेट्स पंजाब वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने रेजिस्टेंस दिखाई कुछ स्कीम्स में लेकिन कुछ स्कीम्स में फिर बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में ये बदलाव आए हैं लेजिस्लेटिव मामले में आप देखोगे कुछ ऐसे एक्ट आए हैं जिससे अगेन स्टेट्स ने कंसर्न रेज किए हैं इंक्रोचमेंट ऑफ पुलिसिंग पावर्स के ऊपर चाहे वो अमेंडमेंट एक्ट हो चाहे वो बीएसएफ रूल्स के अंदर चेंज हो कि बीएसएफ जो है बॉर्डर से फिफ्टी किलोमीटर तक पुलिसिंग कर सकता है इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है अब ये लेजिस्लेटिव चेंज में मैं इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे तो ये उसका पहला स्टेपिंग स्टोन है और स्टेट्स और रीजनल पार्टीज ने कंसर्न रेज किए हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है इस पे गाथा लिखने का ना आपके पास टाइम है ना स्पेस है और ना ही एक क्वेश्चन है डिमांड कर रहा है वो सिर्फ चेंज मेंशन मैं कर करने के लिए कर व्हाट आर द चेंजेस दैट्स इट सो मेंशन चेंजेस फार्म लॉज जो नाउ रिपील्ड लिख लेना इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट कुछ ऐसे एक्ट थे जिसमें स्टेट्स ने अलेज किया कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई मैं यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं सीधा बता रहा हूं पॉइंट और उसका इंपैक्ट थर्ड इज फिजिकल या फाइनेंशियल फील्ड में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए बिगेस्ट चेंजेस जीएसटी वन हंड्रेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो ये बहुत ही अच्छा टूल रहा है फॉर्मलाइजेशन एंड टैक्स कलेक्शन के लिए बट स्टेट्स को कुछ दिक्कतें हैं जैसे कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का अमाउंट डिले होना कोविड पैंडमिक के दौरान ठीक है तो ये सारे जो कंसर्न्स कंसर्नस है ये आप पॉइंट आउट कर सकते हो सिमिलरली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी स्टेट को नहीं दिया जाएगा यह पार्लियामेंट में भी मेंशन किया मिनिस्ट्री ने और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है खास तौर पे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद से ऐसा नहीं किया जा रहा है सो so, बट इनके रिस्पांस में बिहार आंध्र प्रदेश अभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें इंक्रीज डेवोल्यूशन और चेंज क्राइटेरिया के बेसिस पे नेट डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस को शेयर किया गया जिसके अंदर सदर स्टे, स्टेट्स ने अभी भी कंसर्न रेज किए हुए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आप उनको मार्क्स दे रहे हो इवन देन जो डिस्बर्जल या आप कह सकते हो जो डेवल्यूशन उनको हो रहा है वो कम है एज कंपेयर टू वट वॉज अर्लियर नेट बोर लिमिट कि आप एक साल में तीन परसेंट ऑफ जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बोरो कर सकते हो उसके बियॉन्ड बोरो नहीं कर सकते हो या सेंटर से परमिशन लोगे बोरो करने के लिए ये इंपोज किया गया और केरला ने इसे अपोज किया पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल वन थर्टी वन अब आप देख रहे हो ऐसे करते करते मेरे पास नौ या दस पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और मैंने सिर्फ फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है यही अप्रोच आप आंसर में भी अप्लाई कर सकते हो डोंट राइट एंटायर सेंटेंसेस यूज फ्रेजेस स्पेशली इन द दर फॉर्म इससे स्पेस भी बचेगी और टाइम भी बचेगा लास्टली अब आप सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाओगे वहां पे आप पूरा रेगुलर जैसे आप पॉइंट लिखते हो वहां लिख सकते हो तो वहां पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन है तो तीन पेजेस आपके पास रहेंगे इस पर्टिकुलर सेकेंड सब हेडिंग क्या होगी मेजर्स टू बिल्ड ट्रस्ट क्योंकि यही बोला है उसने मेजर्स टू बिल्ड ट्रस्ट तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का इफेक्टिव इस्तेमाल किया जाए और उसकी ज्यादा रेगुलर बेसिस पे मीटिंग हो इंटर स्टेट काउंसिल को री ऑपरेशनलाइज किया जाए जैसे 2016 में कोशिश भी की गई थी और उसको कुछ डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स भी दे दी जाए इसके अलावा प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन जैसा कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी लेजिस्लेटिव रिलेशंस में कि सेंटर स्टेट्स के सब्जेक्ट पे अंक्रोच कर रहा है उसमें प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली विद द पब्लिक

करें तो वट कमेंट्स दैट यू हैव रिसीव उसे भी पब्लिकली दिखाएं कैबिनेट को भेजें ताकि कैबिनेट इसके ऊपर भी विचार विमर्श कर सके यह एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी एग्जिस्ट करती है आज के समय में साल 2014 से लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रही या नहीं यह देखना बाकी इंटरस्टेट डिस्प्यूट में सेंटर प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है जिसकी पॉजिटिव एग्जांपल है असम अरुणाचल प्रदेश के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट और उसको नमसाई डिक्लेरेशन के थ्रू रिपेयर करना इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के टर्म्स और उसके क्राइटेरिया के ऊपर विचार हो सकता है रीलुक हो सकता है खासतौर पर टू असुएज दिच में इंक्लूड एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और सम अदर रिफॉर्म्स जैसा कि पहले भी किया गया है इन द डेवल्यूशन अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नर की अपॉइंटमेंट का मैंने इसलिए पॉइंट यहां पे रखा है क्योंकि चाहे ये रिसेंटली चेंज नहीं हुआ है लेकिन ये देखा गया है कि रिसेंटली पॉलिटिकली एक्टिव लोगों को गवर्नर की पोजीशन पे रखा है अगर आप लिखना चाहते हो चेंज में ऊपर भी लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में कि गवर्नर की पोजीशन पे पॉलिटिकली एक्टिव लोगों को रखा जा रहा है जो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको फटाफट से गवर्नर बनाया जाता है ऐसा देखा गया है बहुत सारे स्टेट्स में आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है इस मामले में लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल्स गवर्नर की अपॉइंटमेंट को सरकारी और पुंछी कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से करना चाहिए यानी कि वो एक ए पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए आउटसाइड द स्टेट तो चलो रहेगा लेकिन वो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व व्यक्ति नहीं होना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि सीएम को यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट किया जाए अब ये जो मैंने आंसर को कंक्लूड कर दिया है लेकिन अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है कंक्लूजन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और जिसका कंक्लूजन मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसके बारे में कल मेंशन करूंगा विद एन एप्रिसिएशन एज वेल इसके अलावा आप यदि डिटेल में देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप यह पाओगे कि साल 2020 में हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन कंफ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया एंड साइट सम रिसेंट एग्जाम्पल टू वैलिडेट योर आंसर दिस क्वेश्चन कम्स द क्लोजेस्ट टू वट वॉज डिमांडेड इन दिस वर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि यह रिसेंट एग्जाम्पल की बात कर रहा बट अगर आपने चेंजेस की बात ना करते हुए वैसे ही बात करने शुरू कर दी जैसे मिस यूज ऑफ सी बी आई ये कोई चेंज नहीं है यह कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया है यूनियन गवर्नमेंट ने इन द डोमेन मिस यूज ऑफ सीबीआई होने लग गया है या आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स का मिस यूज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ये लेगेसी इश्यूज है ये चेंजेस नहीं है प्लीज डोंट मैंशन देम इन दिस आंसर लास्टली कंक्लूजन के लिए आई एम अवेटिंग यू इसके साथ साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो 2025 के लिए वो हमारा एक्टिव हो चुका है और 14 अक्टूबर से उसमें आपकी आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है और इस आंसर राइटिंग के अंदर यदि आप एनरोल करते हैं तो आपको आठ हफ्तों तक डेली दो क्वेश्चन आंसर देने के लिए मिलेंगे जिसकी इवेलुएशन भी होगी अपार्ट फ्रॉम दैट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यूल गेट फोर फुल लेंथ टेस्ट इसके साथ साथ हर हफ्ते मैं आपसे वीकली डिस्कस करूंगा सेशन के अंदर कि किस प्रकार से आंसर्स को अप्रोच करना था आई विल ऑल्सो बी इवेलुएटिंग द आंसर्स माई सेल्फ तो पर्सनली मैं इवेलुएट करने वाला हूं इसके अलावा आपके साथ वन ऑन वन सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे एटलीस्ट मंथ में एक बारी ताकि आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके और आपकी जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनको केटर किया जा सके तो जरूर कंसिडर कीजिए इसके अलावा पीवाई क्यूज पे पकड़ बनानी है तो 2025 के लिए पीवाई क्यू कोर्स भी मौजूद है आप इसकी डिटेल्स जो है जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं यदि इंटरेस्टेड है तो एनरोल भी कर सकते हैं तो धन्यवाद आज की बात सुनने के लिए कंक्लूजन कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मुझे यह भी बताना कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी गवर्नेंस में से पॉलिटी पहले खत्म करेंगे पॉलिटी गवर्नेंस में से कौन सा डिस्कस करूं धन्यवाद